हेलो एवरीवन बेंटोनाइट डिपॉजिट्स आर इन साहिबगंज बेंटोनाइट डिपॉजिट्स कहाँ मिलेगा साहिबगंज में मिलेगा बेंटोनाइट बेंटो नाइट बेंट ओ नाइट बेंट ओ नाइट साहिबगंज ओके साहिबगंज 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 ठीक है साहेबगंज जब जाते हैं ना तो वहाँ पे न, न, नाइट में बेंट हो जाना पड़ता है साहिबगंज जब जाते हैं तो रात में बेंट हो जाना पड़ता है तो बेंटोनाइट कहाँ पर बेंट हो जाएंगे रात में साहिबगंज में बेंटोनाइट डिपॉजिट्स oh. आर फाउंड इन साहिबगंज साहिबगंज में क्या होता है साहिबगंज में जाते ही रात में बेंट हो जाना पड़ता है बेंटोनाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन साहिबगंज अंडर विच सेक्शन ऑफ द संथाल परगनाज एक्ट नाइनटीन लैंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म विल बी कंसिडर्ड द ऑरिजिनल रैयत जोट और प्राइवेट जोट और मूल रैयत जोट और अथोराइज जोट टेन क्या बोल रहा है कि 1949 फोर्टी नाइन एस देखो आया था 1857 में आया था एस पी टी एक्ट एक्चुअली आया था कब सॉरी एस पी टी एक्ट जो आया था वो 18 सेवेंटी uh, सिक्स में आया था सॉरी एटीन 18, एटीन में 1857 नहीं 1876 में इसको कनेक्शन याद कर लीजिए वरना गड़बड़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज कि मैंने जो आंसर्स उठाए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उससे उठाए थे तो जे पी एस सी ने ही गलत आंसर दिया था तो इसलिए भी हंगामा हुआ था तो मुझे वो पता नहीं था एक्चुअली तो ये देखो एस पी टी एडबर्ट टेंशन वाली बात नहीं है एस पी टी एक्ट जो आया था ये 1876 में आया था ठीक है उसको कोडिफ़ाई किया गया था 1949 में याद रखिए 1876 में ये एक्ट आया था और इसको कोडिफ़ाई किया गया था 1949 में तो ये बता रहा है कि 1949 वाला जो न्यू वाला क्वडिफाइड वाला फॉर्म था उसके किस सेक्शन में ये बात कही गई है कि लैंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म कि कोई भी ऐसा लैंड है जो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड नहीं है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे कि ओरिजिनल रैयत जोट या फिर प्राइवेट जोट या फिर मूल रैयत जोट या ऑथोराइज जोट वो या तो प्राइवेट जॉट होगा या फिर अथोराइज जॉट होगा तो ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है सेक्शन टेन में कही गई है सो बेंटोनाइट डिपॉजिट्स कहाँ पे फाउंड होता है साहेबगंज में और आ, संथाल परगनाज एक्ट 1876 वाला जो है कॉडिफाइड होके नाइनटीन फोर्टी में बना था वो उसके सेक्शन के कौन से उसके कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है कि कोई भी लैंड अगर रिकॉर्ड में किसी भी फॉर्म में नहीं है तो वो या तो प्राइवेट जॉट होगा या तो ऑथोराइज़्ड जॉट होगा सेक्शन टेन में बोला गया है अंडर सेक्शन 33 ऑफ द संथाल परगनाज एक्ट 1949, द सेटलमेंट ऑफ एनी वेस्ट लैंड इज़ सब्जेक्टेड टू कैंसिलेशन इफ़ इट हैज़ नॉट बीन फ़ार्म्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स तो देखो अगर वो पाँच साल तक कल्टिवेट नहीं होगा ना पाँच साल तक अगर कल्टिवेटेड नहीं होगा इसका मतलब ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है पाँच साल तक बेकार पड़ा जाएगा ना तो ये बात हो जाएगी कि उसका जो सेटलमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये कौन सी बात में कही गई है सेक्शन 33 थ्री में कहा गया है सो अंडर सेक्शन 33 ऑफ संथाल परगना टेनन्सीट नाइनटीन फोर्टी द सेटलमेंट ऑफ एनी वेस्ट लैंड इज सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन इफ़ इट हैज नॉट बीन फार्म फॉर हाउ मेनी ईयर फाइव ईयरस अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ द संथाल परगना टेनन्सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन अंडर वाट सर्कमस्टांसिस अ रैयत कैन इन्फॉर्म द एस एंड द चीफ टेन और द ऑरिजिनल रैयत ऑफ़ हिज लैंड होल्डिंग्स टू मेक ओवर हेल्डिंग टेम्परली होल्डिंग टेम्परली ऑन ट्रस्ट फॉर कल्टिवेशन तो ये बता रहा है कि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सर्कमस्टांसेस में एक रैयत को एस डी ओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहला कि टेम्प्री एबसेंस फ्रॉम विलेज कि गाँव में टेम्परली वो एबसेंट नहीं है कहीं किसी काम से गया हुआ है बाहर दूसरा कि प्लोएल ऑक्सन का शॉर्टेज है अगर मतलब खेत जोतने के लिए जो बैल होता है ना तो वो बैल नहीं है उसका शॉर्टेज है और दूसरा और लास्ट है कि इन केस ऑफ रियॉर्ट बीइंग अ विडो या फिर माइनर जो जो रियॉर्ट है वो या तो विधवा है या फिर अंडर 18 है माइनर है तो इन तीनों केसेस में एसडीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तो सिंपल सा बात है सेक्शन के अकॉर्डिंग को या को कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहला कि अगर बैल ही नहीं है अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन देर इज अ प्रोविजन फॉर कंसेंट फॉर हाउ मेनी पीपल फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट देखो अभी क्या है ना कि जैसे अभी भी रिसेंटली याद हो जाएगा आपको जैसे अडानी ग्रुप है ये क्या करते हैं ना ट्राइबल लोग की ज़मीन को हड़प लेते हैं तो ट्राइबल लोग तो क्या फिर भोले वाले हैं तो उनको क्या करते हैं बहलाते फुसलाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा दे देंगे वैसा दे देंगे तो वो लोग कुछ भी आ हैं तो कंडीशन ये है गर, रूल ये है कि वहाँ के जो इलाका का जहाँ का भी आपका लैंड चाहिए ना तो उसका जो मतलब जो ओनरशिप है मतलब वहाँ के जो एरिया वाइज हैं वहाँ के जो 70 परसेंट लोग जो है ना उनका मिनिमम कंसेंट होना चाहिए 70 परसेंट लोगों ने कर दिया कि हाँ ले लो ज़मीन ले लो अपना इंडस्ट्री खोलो तभी वो ले सकते हैं तो ये कंपनी एक्ट सॉरी लैंड रिक्विजिशन रिहेबलीटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन एक्ट दो में ये कहा गया था कि सत्तर वाला जो है ये कंसेंट मिलेगा तब ट्रिपल पी मॉडल के तहत लैंड को एक्वायर किया जा सकता है हुई इज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द लैंड एक्विजीशन रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट एक्ट दो हजार तेरह इन लैंड रिकॉर्ड इट इज अ गिफ्ट टू द ओनर इन लैंड रिकॉर्ड इट इज अ गिफ्ट टू द ओनर सो लैंड रिकॉर्ड में क्या है वो माना गया है कि वो ओनर का गिफ्ट है रिकग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स सो रिकग्नीशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एंड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट टू थाउजेंड सिक्स और ओनर ऑफ द लीज़ होल्ड ओनर ऑफ द लीज होल्ड हु इज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इन अ लैंड रिकॉर्ड इट इज़ अ गिफ्ट टू द ओनर और रिकोगशन ऑफ द फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट टू थाउजेंड सिक्स और ओनर ऑफ द लीज होल्ड ये तीनों ही आ जाएंगे बर्ड लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस आयरन और माइनिंग ये क्या क्वेश्चन है बर्ड लोकेटेड इन वेस्ट सिंह नहीं नहीं लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस आयरन और माइनिंग वेट ओके तो सॉरी वो बर्ड नहीं था मैंने करेक्शन देखा चिड़िया चिड़िया जो है वेस्ट सिंहभूम में है ये किस चीज़ के लिए फेमस है ये आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर आयरन और माइनिंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाख 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 है ना मतलब लाह जिसको बोलते रहे लहठी जिससे बनता है लाख उसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है खूंटी खूंटी झारखंड हैज़ अ पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री कवर देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना बहुत साल पहले तब उस समय फॉरेस्ट कवर था 0.08 हेक्टेयर अभी लेटेस्ट डेटा है 0.071 हेक्टेयर जो कि लेटेस्ट डेटा है तो इसका मतलब क्या हुआ फॉरेस्ट कवर कम हो गया है शहीद ऑब्वियसली कवर कम होगा ना जंगल काट करके सब चीज़ बेच दोगे अटानी ग्रुप को तो क्या करेगा जंगल काटेगा ना शहीद निर्मल महतो पार्क विच इज़ इंक्लूडेड इन द झार पार्क प्रोग्राम ऑफ झारखंड इज़ इन हजारीबाग जो शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पर हज़ारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है हज़ारीबाग में झारखंड का पर कैपिटा फॉरेस्ट एंट्री कवर कितना है जीरो पॉइंट जीरो सेवन हेक्टेयर कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ लैक होता है खूंटी चिरिया वेस्ट बिंगभूम किस चीज़ के लिए फेमस है आयरन और माइनिंग के लिए और किसको बोलते हैं ओनर ऑफ द लैंड एक्विजीशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट दो इनमें से कोई भी जिसका पहला कि अगर उसका नाम रिकॉर्ड में हो दूसरा फॉरेस्ट राइट्स के अंदर हो और तीसरा उसको अगर पट्टा दिया गया हो तो उसको बोलते हैं हम लो, so, लोग ओनर ऑफ द लीज होल्ड सो अंडर लैंड एक्विजिशन कितना परसेंट लोगों का कंसेंट चाहिए सेवेंटी परसेंट लोगों का कंसेंट चाहिए और सेक्शन ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग कब एस डी ओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब टेम्प्रेरी एबसेंस होगा और खेत खेत जोतने के लिए ऑक्सन मतलब बैल नहीं होगा और या तो रायत विडो या माइनर होगा सेक्शन थर्टी थ्री के अकॉर्डिंग कितना साल तक कल्टीवेशन नहीं करने पे वो वेस्ट हो जाएगा पाँच साल और बेंटोनाइट डिपॉजिट कहाँ पे होता है रात में कहाँ बेंट करते हैं हम साहिबगंज में और संथाल परगनाज एक्ट कब आया था 1876 में आया था और इसका कोडिफिकेशन कब हुआ 1949 में और आ, कौन से इसके कौन से सेक्शन में ये बोला गया है कि कोई भी अगर लैंड रिकॉर्ड में नहीं है किसी भी फॉर्मेट में तो वो प्राइवेट जॉट या ऑथोराइज जॉट को चला जाएगा मिलते हैं आपसे वीडियो में तो तकली बाय